सो अभी आप लोगों ने जो एलिवेशन देखा उसी एलिवेशन का हम लोग आज एक प्लान ड्रॉ करने वाले हैं। सो आज का हमारा ये जो प्लान है ये एक 40x30 स्क्वायर फीट का एक हाउस प्लान है जिसमें कि हमने एक 3BHK प्लान किया हुआ है। सो चलते हैं प्लान की तरफ एंड देखते हैं उसको डिटेल में। सो ये हमारा आज का प्लान है, इसमें कि हमारी इसकी जो विड्थ है वो 40 फीट की है एंड हमारी इसकी जो लेंथ है वो 30 फीट की है। इसका जो हमारा ओवरऑल एरिया है वो 1200 स्क्वायर फीट का है। फर्स्ट हम इसकी वॉल्स को हाईलाइट कर लेंगे, जितनी भी हमारी वॉल्स उनको हाईलाइट कर लेंगे। तो हमने इन सारी वॉल्स को हाईलाइट कर दिया है, जितनी भी हमारी वॉल्स थी उनको हाईलाइट कर दिया है। अब इसमें जो हमने विंडोज प्रोवाइड किए उन विंडोज को हम हाईलाइट करेंगे। सो हमने इन सारी विंडोज को भी हाईलाइट कर दिया है। इसमें फर्स्ट हम यहां से एंटर करेंगे हमारे सिट आउट एरिया के अंदर। यहां पे हमने एक स्टेयर्स प्रोवाइड किया हुआ है, यहां स्टेयर्स से ऊपर हमने एक सिट आउट प्रोवाइड किया हुआ है। इस सिट आउट का जो हमारा साइज है वो 14 फीट इसकी विड्थ है एंड 7 फीट हमारी इसकी लेंथ होगी। देन यहां से हम एंटर करेंगे हमारे लिविंग एरिया के अंदर। लिविंग एरिया में ही हमने एक डाइनिंग एरिया प्रोवाइड किया हुआ है जिसमें कि हमारा जो लिविंग रूम का एरिया है उसका जो हमारा साइज है वो 14x14 फीट का है। जिसमें कि हमारा 14 फीट इसकी विड्थ है एंड 14 फीट हमारी इसकी ये लेंथ है जो कि यहां तक होगी। सो ये ओवरऑल जो हमारा ये एरिया है वो 14x14 फीट का है। देन जो हमारा डाइनिंग का पोर्शन है, डाइनिंग का जो हमारा साइज है वो 14x8 फीट का है। जिसमें कि हमारा 14 फीट इसकी ये लेंथ होगी एंड 8 फीट हमारी इसकी ये विड्थ है। यहां डाइनिंग के ही राइट साइड में हमने किचन एरिया प्रोवाइड किया जो कि हमारा एक ओपन किचन है, जिसमें कि हमारा किचन का जो साइज है वो 11 फीट इसकी लेंथ है एंड 8 फीट हमारी इसकी विड्थ होगी। देन यहां लिविंग एरिया के ही राइट साइड में हमने स्टेयर्स प्रोवाइड किया हुआ है। यहां से हमारी स्टेयर्स जो है फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाएंगी। स्टेयर्स के नीचे का जो पोर्शन है हमने WC एंड बाथ प्रोवाइड किया हुआ है जो इस बेडरूम को अटैच होगा। सो हमारी ये जो स्टेयर्स है वो फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाएंगी। यहां से इसकी जो हमारी ये विड्थ है वो 3 फीट की है, 3 फीट वाइड हमारी ये स्टेयर्स है। देन यहां से हम एंटर करेंगे हमारे फर्स्ट बेडरूम के अंदर। हमारे ये जो बेडरूम है वो एक मास्टर बेडरूम है। इस बेडरूम का जो हमारा साइज है वो 11x12 फीट का है। जिसमें कि हमारा 11 फीट इसकी ये विड्थ है एंड 12 फीट हमारी इसकी लेंथ होगी। इस बेडरूम से अटैच एक WC एंड बाथ प्रोवाइड किया हमने। इसका जो हमारा साइज है वो 3x6 फीट का है, जिसमें कि हमारा 3 फीट इसकी विड्थ होगी एंड 6 फीट हमारी इसकी लेंथ है। देन यहां से हम एंटर कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट बेडरूम के अंदर। इस बेडरूम का जो हमारा साइज है वो 13x12 फीट का है। जिसमें कि हमारा 13 फीट इसकी विड्थ है एंड 12 फीट हमारी इसकी लेंथ होगी। देन इस पोर्शन में हमने एक कॉमन टॉयलेट बाथ प्रोवाइड किया हुआ है। इसका जो हमारा साइज है वो 8x4 फीट का है, जिसमें कि हमारा 8 फीट इसकी लेंथ है एंड 4 फीट हमारी इसकी ये विड्थ होगी। देन यहां से हम एंटर करेंगे हमारे थर्ड बेडरूम के अंदर। हमारे इस बेडरूम का जो साइज है वो भी सेम 13x12 फीट का है। जिसमें कि हमारा 13 फीट इसकी विड्थ होगी एंड 12 फीट हमारी इसकी लेंथ होगी। इस प्लान में जो हमने वॉल्स प्रोवाइड किए, जो भी हमारी ये आउटर वॉल्स हैं, उनका जो हमारा साइज है वो 6 इंचेस है। इसकी जो विड्थ है वो 6 इंचेस की है एंड हमारी जो इंटीरियर वॉल्स है जो कि पार्टीशन के लिए यूज किया है हमने, उनका भी जो साइज है हमारा 6 इंचेस का है।
इस प्लान में जो हमने डोर्स प्रोवाइड किए, जितने भी डोर्स को हमने डी से डिनोट किया हुआ, जो हमारा मेन डोर है, इसका जो हमारा साइज है वो 3 फीट इसकी विड्थ होगी एंड 7 फीट इसकी हाइट होगी। जितने भी डोर्स को हमने D1 से डिनोट किया हुआ, जो हमारे बेडरूम के डोर्स हैं, इनका जो हमारा साइज है वो 2 फीट 6 इंचेस इसकी विड्थ होगी एंड 7 फीट इसकी हाइट होगी। जितने भी डोर को हमने D2 से डिनोट किया हुआ, जो हमारे WC एंड बाथ के डोर्स हैं, इनका जो हमारा साइज है वो 2 फीट 6 इंचेस इसकी विड्थ होगी एंड 6 फीट इसकी हाइट होगी। इस प्लान में जो हमने विंडोज प्रोवाइड किए, जितने भी विंडोज को हमने W से डिनोट किया हुआ है, इन विंडोज का जो हमारा साइज है वो 4 फीट इसकी विड्थ है एंड सेम 4 फीट इसकी हाइट होगी। जितने भी विंडोज को हमने V से डिनोट किया हुआ है, जो कि हमारे टॉयलेट बाथ एंड WC के डोर्स हैं, इनका जो हमारा साइज है 1 फीट 6 इंचेस इसकी विड्थ होगी एंड 2 फीट इसकी हाइट होगी। इस प्लान का जो हमारा ओवरऑल एरिया है वो 1200 स्क्वायर फीट का है, जिसमें कि हमारा 40 फीट इसकी विड्थ है एंड 30 फीट हमारी इसकी लेंथ होगी। इसका जो हमारा कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट आएगा वो अप्रोक्सीमेटली 15 टू 16 लैक्स के अराउंड आएगा, जो कि वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। सो ये था हमारा आज का एक प्लान, जो कि 40 बाय 30 स्क्वायर फीट का एक हाउस प्लान था, जिसमें कि हमने एक 3 BHK प्लान किया था।